क्लास 12th में पूछी जाने वाली तीन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हर बार बोर्ड में पूछी जाती है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर UP बोर्ड। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में हमारी आती है सेंड मायर रिएक्शन। तो सेंड मायर रिएक्शन आती है, ये भी कई बार पूछी गई बोर्ड एग्जाम में और मोर देन रिपीट होती रहती है ये रिएक्शन। उसके बाद आती है बलात् रिएक्शन, है ना। उसके बाद फिर आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन क्या होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। इन रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिएगा, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4 है हमारी सेवर्ट रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आ जाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई और इस बार भी ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है।